और आज की राइड पे मैं बताऊंगा कि यार बर्गी स्कूटर लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। ये बहुत लोगों के सवाल रहते हैं, सर आपने इतने मॉडिफिकेशन कराया, आप कुछ डिटेलिंग बताओ। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा डिटेलिंग के बर्गी स्कूटर लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इतना तो हक बनता है कि मैं बता सकता हूँ। बिकॉज ये देखो 11,630 किलोमीटर मैंने चलाई हुई है। दूसरा लोनावाला, कसारा घाट, मालसेज घाट, छोटे मोटे 300-400 किलोमीटर की मैंने राइड की हुई है और मैंने मॉडिफिकेशन भी किया हुआ है। तो बता सकता हूँ मैं आप लोगों को कि भाई ये स्कूटर लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। और ऐसे जैसे मैंने बताया 300-400 किलोमीटर आप गाड़ी लेके जा सकते कि नहीं लेके जा सकते। ये देखो ना फॉग कितना जम गया यार, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो गाइज ये रही अपनी गाड़ी जो टिटवाला में खड़ी है, और ये टिटवाला का मंदिर है जो बंद है। मैंने यहाँ पे लोगों से पूछा तो बोला नहीं बंद है, यहाँ पे ये पार्किंग एरिया है, वहाँ पे बोटिंग होती है। तो मैंने सोचा था वहाँ पे बोटिंग करता और अपनी गाड़ी का जो पूरा रिव्यू है वो बताता, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मैं दूसरा लोकेशन देखता हूँ और वहाँ पे वीडियो बनाता हूँ अपने गाड़ी का रिव्यू। गाइस मुझे एक लोकेशन मिली है, तो मैंने यहाँ पे गाड़ी अपनी खड़ी की है और आप लोगों से मैं बात करूंगा इस गाड़ी के बारे में। गाड़ी गंदी है क्योंकि मैं ट्रैवल करके टिटवाला आया हूँ। अगर आपको टिटवाला वाली राइडिंग वाली वीडियो देखनी है तो एंड स्क्रीन में रख दूंगा, तो देख लेना। और उससे पहले मैं गया था कसारा घाट, उसके पहले भी गया था एयरपोर्ट। तो कंटिन्यू क्या है ना, गाड़ी अपनी चलती रह रही है तो मुझे तो गाड़ी धोने का टाइम नहीं मिला, इसके लिए अपनी गाड़ी गंदी है। और मैं प्रॉपर व्लॉगर हूँ, क्या बोलते हैं वो अपना बाइक का जो रिव्यू देते ना, उस टाइप का बंदा नहीं हूँ। इसके लिए बोलते हैं ना गाड़ी वाड़ी मैंने धोई नहीं है, ऐसे मैं ट्रैवल कर रहा था। तो मैंने सोचा कि लोग ना कमेंट में पूछते हैं कि भाई आपकी जो स्कूटर है बर्गमैन, इसके बारे में ना टोटल रिव्यू दो। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया मेरा हक बनता है इसके बारे में रिव्यू देना, जैसे मैंने बताया कि 300 किलोमीटर वाली राइड करता हूँ, सिटी में भी राइड करता हूँ, रफ राइड करता हूँ, स्मूथ राइड करता हूँ, भगाया भी है, मॉडिफिकेशन भी किया है। क्या रीज़न है कि ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? अरे यार बारिश स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, अच्छा खासा लोकेशन ढूंढना। तो सोचो व्लॉगिंग करते वक्त ये भी सब तकलीफें होती है, बट मैं व्लॉग बना ही देता हूँ तो आपको पता चले एग्जैक्टली मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने मेरी ये जो स्कूटर है उसके मॉडिफिकेशन वाला वीडियो ना देखा हो तो है ना प्लेलिस्ट में जाना, और बर्गमैन करके फोल्डर है तो वहाँ पे जैसे ये लाइट मैंने बिठाई हुई है, ये ग्राफिक किया हुआ है, यहाँ पे मैंने ना गार्ड बिठाया था, देन फिर ये टॉप रैक बिठाया हुआ है, तो उसके सबके वीडियोस मिल जाएंगे। यहाँ पे एक्स्ट्रा बटन है, सबके वीडियोस आपको है ना एंड स्क्रीन में मिल जाएंगे, तो प्लीज़ देख लेना या प्लेलिस्ट में जैसे मैंने बताया वहाँ पे चेकआउट कर लेना तो आपको पता चले। तो बात करते हैं हम लोग गाड़ी के बारे में। अगर आपको सिटी में गाड़ी चलानी है ना तो स्कूटर से बेटर कोई बाइक भी नहीं है। और स्कूटर में बात करूँ तो अपनी बर्गमैन स्कूटर एनटॉग भी नहीं, लिटरली जो बर्गमैन चलाता है उससे जाके पूछो और जो एनटॉक चलाता है ना उससे जाके पूछो तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। मेंटेनेंस वाइज बहुत कम है, पेट्रोल भी कम पीती है, राइडिंग के मामले में बेस्ट है, पिकअप के मामले में बेस्ट है, गाड़ी ज़्यादा आवाज़ नहीं करती। एनटॉक का साइलेंसर कुछ ज़्यादा ही आवाज़ करता है, तो मुझे ज़्यादा आवाज़ करने वाली स्कूटर बोलो या बाइक नहीं पसंद। तो सिटी में चलानी है तो बर्गमैन स्कूटर इजीली आग बंद करके ले लो, वर्थ है पैसा। लॉकडाउन के बाद है ना भाव बढ़ चुके हैं, फिर भी मैं बोलूँगा लेना है तो ये गाड़ी लो। हाइट है बट डिपेंड करता है कि आप उसको मैनेज कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। जैसे मेरी हाइट है 5.6, मैं गाड़ी को आराम से मैनेज कर पाता हूँ। और जो मेरे सब्सक्राइबर है उन्होंने भी गाड़ी ली है, जैसे 5 फुट वाले, 5.2 वाले, कई लड़कियाँ भी है जिसने गाड़ी ली है और लोग ने मुझसे बात किया था। तो मैं बोला नहीं आप ले सकते हो, बट मैं बोलूँगा ट्रायल ले लेना, आपको वो जमती है हाइटेड वाली गाड़ी या नहीं वो देख लेना, उस हिसाब से आप ये स्कूटर लेना। मैं ये नहीं बोलता हूँ ले ही लो आग बन करके, आप अपने हिसाब से रिसर्च करो, दूसरे यूट्यूब वीडियोस देखो और बाद में डिसाइड करो ये गाड़ी लेनी है या नहीं लेनी सिटी के लिए। अभी बात करते हैं लॉन्ग ड्राइव के बारे में। लॉन्ग ड्राइव के बारे में बात करूँ तो ये स्कूटर को मैं जैसे बताया था मालसेज घाट लेके या कसारा घाट लेके या संडे राइड लेके जाता हूँ, 300 किलोमीटर की राइडिंग करता हूँ ये स्कूटर से, तो मैं बोलूँगा वर्थ है ये गाड़ी लेना, क्योंकि कम पेट्रोल में आप लंबी राइड करके आते हो। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये स्कूटर लेना वर्थ है, बिकॉज कम पेट्रोल में आप शॉर्ट राइड करके आते हो 300-400 किलोमीटर की, और क्या चाहिए। तो बोलते ना जितने पैसे बचेंगे तो उतनी राइड आपकी ज़्यादा होएगी। तो अगर आपको 300-400 किलोमीटर की रेंज में राइड करनी है तो आप ये ले सकते हो, बट इसका डिसएडवांटेज मैं बता दूँ, जैसे आप स्पीड चलाओगे तो 80-90 की स्पीड तक ठीक है, उससे ज़्यादा ऊपर मत जाओ, ये मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ ये स्कूटर के हिसाब से, क्योंकि 125 सीसी उसको कितना भगाओगे कि जान उधर तक ही है। मेरे कमेंट में ना बहुत सारे लोग लिखते हैं भाई मैंने 105, 110, 115, 120 की स्पीड में भगाई। मैं बोला भाई ये गाड़ी की जान है ना 90 तक ठीक है, उससे ऊपर भगाओगे तो मर जाएगा गाड़ी, बाद में आपको खर्चा देगा, बेल्ट टूट जाएगा या एक्सीडेंट हो जाएगा, क्या मतलब है वैसी गाड़ी चलाने का। सेफ गाड़ी चलाते ना उसको ही सही राइडर बोलते हैं। तो मैं बोलूँगा सेफ गाड़ी चलाओ, 90 की स्पीड के लिए ये गाड़ी बेस्ट है।
चढ़ान की बात करूँ तो चढ़ान में ना रेस देना पड़ता है तो 50-60 तक खींचती है, और स्लोप की बात करूँ तो जैसे मैंने बताया 80-90 की स्पीड कब तक पहुँच जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। 300 से 400 किलोमीटर आपको गाड़ी चलानी है तो सेफ गाड़ी है, कम पेट्रोल में, अच्छा मेंटेनेंस में आप गाड़ी ये चला सकते हो और कंटिन्यू चला सकते हो। अब बात करते हैं लॉन्ग ड्राइव की। लॉन्ग ड्राइव माने मतलब जैसे 600 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर की बात याद आई तो जैसे लोग जो राइडर लोग रहते हैं उनका ड्रीम रहता है कि लद्दाख पहुँच जाए, कुल्लू मनाली चले जाए, शिमला चले जाए या फिर उत्तराखंड चले जाए। तो मैं बोलूँगा ये गाड़ी जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाती, बट इसके लिए आपको ना प्रिपरेशन करना पड़ता है। मतलब जाने से पहले गाड़ी को सर्विस करवा लो, देन टायर बदल दो, मतलब अच्छे ग्रिप वाले टायर लो, जो ब्रॉड टायर हो वो वाले लो, देन फिर आप एक्स्ट्रा बेल्ट ले लो गाड़ी का, क्योंकि बेल्ट कभी भी टूट सकता है। राइड करते हो 100-150 किलोमीटर के बाद 20-25 मिनट का ब्रेक लो, क्योंकि अपनी स्कूटर ऐसी है कि ज़्यादा लंबे तक चलाओगे मतलब कंटिन्यू 4-5 किलोमीटर तो कभी भी ख़राब हो सकती है, इंजन गर्म हो जाएगा, तो उसको रेस्ट करना ज़रूरी है। मतलब जैसे मैंने बताया 100-150 किलोमीटर चलाओ, गाड़ी को रेस्ट दो, खुद भी रेस्ट लो। पेट्रोल की टंकी का प्रॉब्लम हो सकता है तो जेरी कैन आता है वो ले जाओ, और सिटी में बात करूँ या उत्तराखंड तक की बात करूँ तो आपको पेट्रोल पम्प मिल जाता है, ब्लैक में भी पेट्रोल मिल जाता है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए है तो पेट्रोल वहाँ से ले सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये गाड़ी लद्दाख तक भी जाती है। जैसे मैंने देखा है एक्टिवा, लूना, साइकिल पे लोग लद्दाख जाते हैं, तो यार ये तो 125 सीसी है गाड़ी, आराम से लद्दाख जाती है। बट जैसे मैंने बोला राइडर पे डिपेंड करता है, वो अपना जो विल पावर है कितना स्ट्रांग है उसका, क्योंकि जैसे मैंने बताया चढ़ान पे 50-40 की स्पीड, और लद्दाख पे तो पता नहीं 20 या 30 की स्पीड पे भी चले, 5 की स्पीड पे भी चले, ये भी हो सकता है ना। जैसे मैंने बोला कि ख़राब हो जाए गाड़ी तो बेल्ट लेके जाना, सर्विस करवा के जाना, जिससे आपकी गाड़ी आपको थूका ना दे। और बाकी तो आप गाड़ी देख रहे हो, वाटर बॉटल है यहाँ पे, चार्जिंग पॉइंट है, अच्छी खासी लाइट है, डिकी अपने को मिल जाती है, और जो कुछ अपने को कंपनी नहीं देती तो खुद के पैसे लगाओ, मॉडिफिकेशन करो, जैसे मैंने मेरी गाड़ियों में मॉडिफिकेशन किया है और यूटिलाइज करता हूँ, और जो भी मैंने पैसा अपनी गाड़ी में लगाया ना मुझे वर्थ लगता है। जैसे लाइट ज़रूरी है, पीछे स्टॉप लाइट लगाई है वो भी ज़रूरी है। जैसे आप लोगों को पता रहेगा जंगल एरिया में जाते हो या पहाड़ों पे जाते हो या सिटी में भी घूमते हो तो कई जगह पर ना स्ट्रीट लाइट नहीं रहती, तो इसके लिए लाइट रहना बहुत ज़रूरी है। मैंने लाइट पे खर्चा किया था, देन और गाड़ी को गार्ड लगाना नहीं लगाना आपके पे डिपेंड करता है। मैंने पहले गार्ड लगाया था और बाद में मैं फेमस हो गया इंडिया में, तो 4-5 गार्ड मैंने बेचे भी हुए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जैसे बताया प्लेलिस्ट में देख लेना, बट अभी मैंने गार्ड निकाल दिया, सिर्फ टॉप रैक रखा है, यहाँ पे टॉप बॉक्स बिठाना है मुझे, और यहाँ पे मुझे सैडल बैग बिठाना है, तो उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है कि मैं कौन सा सैडल बैग लेने वाला हूँ और टॉप बॉक्स लेने वाला हूँ, उसकी भी वीडियो देखनी है प्लेलिस्ट में जाओ और देख लो। मैं बार बार प्लेलिस्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि एक ही वीडियो में ना मैं सब कुछ नहीं बता सकता, फिर कमेंट में लोग लिखते हैं भाई आपने ये नहीं बताया वो नहीं बताया। मैं ना एक वीडियो ना 10 से 15 मिनट की बनाता, उससे बड़ी नहीं बनाता, क्योंकि उससे बड़ी है ना बनाने में मुझे भी मज़ा नहीं आता और आपको देखने में मज़ा नहीं आएगी। तो हर एक की वीडियो ना मैंने अलग अलग बनाई हुई है, तो प्लेलिस्ट में जाना और देख लेना। तो ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। ये स्कूटर के बारे में जो भी रिव्यू देना था मैंने दे दिया, क्योंकि मैंने 11,000 किलोमीटर चलाई हुई है, और मैंने जैसे आप लोगों को बताया 300-400 किलोमीटर की राइड में एवरी मंथ करता हूँ, ऐसे तो वीक भी बोल सकता हूँ बट मैं एवरी मंथ की बात करूँगा कि मैं करता हूँ। देन मॉडिफिकेशन भी किया हुआ था, तो मेरा हक बनता था कि ये गाड़ी के बारे में मैं रिव्यू दूँ, तो मैंने मेरी तरफ से जो भी मुझे लगा तो मैंने रिव्यू में बता दिया। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाती है मुझे बताने में या आपको समझने में तो मुझे माफ़ कर देना। तो ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और मेरे चैनल पर नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, मुझे अच्छा लगेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग एंड बी सेफ।